राजधानी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एवं लाखों लोगों की आस्था का केंद्र हनुमान मंदिर जाखू अब और भी भव्य रूप धारण करेगा। मंदिर के सौंदर्यकरण को लेकर कार्य शुरू हो चुका है। सदियों पुराने इस मंदिर का सौंदर्यकरण हिमाचल शैली के अनुसार किया जाएगा। मंदिर परिसर में हिमाचली शैली का स्टोन लगाया जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल की प्राचीन परंपरा के अनुसार मंदिर के मुख्य द्वार पर नक्काशी की जाएगी, जो यहां पर आने वाले दर्शकों को हिमाचल की कला एवं संस्कृति का परिचय देगी। इसके साथ ही मंदिर परिसर में अक्षम लोगों को व्हीलचेयर पर ले जाने के लिए विशेष मार्ग बनाया जाएगा। यह मार्ग रोपवे से लेकर मंदिर परिसर तक बनाया जाएगा, जिससे व्हीलचेयर के माध्यम से अक्षम लोग भी हनुमान जी के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही मंदिर परिसर में अब अलग से जूता घर का निर्माण भी किया जाएगा। मंदिर परिसर को प्रशासन द्वारा नए तरीके से संवारने के लिए लोक निर्माण विभाग को राशि भी जारी कर दी गई है और मंदिर में सौंदर्यकरण का ये कार्य शुरू किया जा चुका है। जाखू का यह प्रसिद्ध मंदिर हनुमान जी एक आकर्षित करती है, जो कि कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई देती है। जाखू मंदिर की 8048 फुट की हाइट पर बनी यह प्रतिमा 2010 में स्थापित की गई थी और इस प्रतिमा के यहाँ पर स्थापित होने से यहाँ का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। दशहरे के दिन जाखू मंदिर में रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। मंदिर परिसर में बच्चों के लिए अलग से पार्क का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर अलग से आधुनिक ढंग के उपकरण बच्चों को खेलने के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर पहले से एक छोटे पार्क का निर्माण किया गया है और इसके साथ ही रोपवे के पीछे की तरफ एक और पार्क का निर्माण करवाया जाएगा। मंदिर में श्रद्धालुओं के बैठने के लिए लॉन की व्यवस्था होगी। इस लॉन में पर्यटक व श्रद्धालु कुछ देर आराम कर सकेंगे। इसके साथ ही मंदिर परिसर के सौंदर्यकरण के लिए यहाँ पर छोटे पौधे भी लगाए जाएंगे। शिमला नगर के ऐतिहासिक जाखू पर्वत के शिखर पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। यह मान्यता है कि जब मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, उस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी के तलाश में आकाश मार्ग से होते हुए यहाँ से निकल रहे थे, तो यहाँ पर उनकी नजर तपस्या में लीन यक्ष ऋषि पर पड़ी। कालांतर में उनके नाम पर ही जाखू नाम पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, केशनल।